चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो डॉक्टर साहब को यहाँ से गए हुए तकरीबन एक घंटा तो हो गया। जोजी बेगम अभी तक नमूदार नहीं हुई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? मेरा ख्याल आप जाके देख ले उनको। आगे आगे कितने आदमी थे? एक दो तीन और एक अभी थोड़ी देर पहले गया, उसे मिला के चार थे। चार फिर भी खाली हाथ आ गए? अरे बेगम खाली हाथ नहीं आए, आपने शलगम गोश्त कहा था ना पकाने को, हम शलगम लेकर आए, पूरे आधा किलो है। खामोश, हमें शलजम गोश्त नहीं गोभी गोश्त पसंद है। यार मेमू साहब ये बनी तो पूरन देवी है लेकिन डायलॉग गबर के बोल रही है। अरे ओ गोभी, मेरा मतलब है गोरी, बता ठाकुर कहाँ है? मुझे ठाकुर तो दो हफ्ते पहले कपड़े लेके गया था, इश्वाक की कुछ बनियाने थी और दो चादरें, अभी तक नहीं आया। वो तो धो ही नहीं सकता, उसके तो हाथ काट दिए थे मैंने। और तू लड़की चल नाच, जब तक तेरे पैर चलेंगे इस छोटी शर्ट वाले की सांसें चलेंगी। नाच लड़की नाच। ये लड़की लड़की क्या लगा रखा है आपने? मैं खूबसूरत हूँ। खूबसूरत तुझसे खूबसूरत तो राजा है। अरे ओ राजा, एक्सक्यूज मी, माइंड ना कीजिएगा, पर आप हैं कौन सरदार? बकवास बंद कर और ये बता, सरकार ने मुझ पे कितना इनाम रखा है? यार मेमू साहब ये क्या टेंशन है यार, ये डॉक्टर का बच्चा क्या कर गया, कौन सा इंजेक्शन लगा गया इसे यार? खामोश, चलो सबके सब अपने कामों पे लगो, और तू बड़े मुंह वाले जाके भैंसों का दूध निकाल के ला, गरम करके हमें पिला। बढ़िया, कौन सी भैंसे हैं भाई? तो जा जाके भैंसे ढूंढ और फिर दूध निकाल। और तू चश्मे वाली औरत जाके गांव के लोगों को बता दे कि मैं आ रहा हूँ। वो तो ठीक है सरदार, कम से कम ट्रेन की टिकटें तो करा दे गांव जाने के लिए। बस बंद कर, बाहर चलो। यार मुस्तकीम साहब, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर को दोबारा बुला लेंगे यार, अब ये नई मुसीबत आ गई है। बड़े मुंह वाले, जी जी सरदार, तू डकैती में सबसे आगे रहेगा, और तू छोटी शर्ट वाले मक्कार आदमी, सारा सोना बक्से में तू भरेगा। जी सरदार। और मैं वो सारा सोना पहनूंगी, मुझे सोना पहनने का बहुत शौक है। शट अप, लूट का सारा माल घर आएगा, यहाँ मैं बनाऊंगी सबके हिस्से। लेकिन मैं कोई डाका नहीं डालूंगी जोजी आंटी। अरे सरदार बोल सरदार, जो सरदार की बात नहीं मानेगा ये बड़े मुंह वाला भेड़िया उसे मौत के घाट उतारेगा। अब भेड़िया तो ना कहे सरदार, अब मुझे ना उड़ने वाला सांप कह ले वो बेहतर है। हाँ हाँ वही वही, चलो सब गोली चलाने की प्रैक्टिस करो। पर बेगम हमारा मतलब है सरदार, बंदूकें तो है नहीं, फायरिंग किससे करेंगे? नहीं है बंदूकें तो अपने हाथों से बंदूकें बनाओ और हवाई फायर करो। चलो भाई, क्या हो गया आप लोगों को? मैं तो एक पागल छोड़ के गया था, यहाँ तो सबके सब पागल हो गए भाई। अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए, इनको ठीक कीजिए, ये तो हमारी जान को आ गई फूलन देवी। आपको प्लीज फिक्र ना करें, फूलन देवी आप आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको डकैती का प्लान सिखाता हूँ। आइए चल आइए आइए चल। अरे भाई मुझे तो जाने दे, मैं कह तो रहा हूँ कि ठीक हो जाएंगे ज्योति जी। नहीं भी नहीं, इस बार हम तुम्हें नहीं जाने देंगे जब तक अपनी पूरी तसल्ली ना कर लें। अरे भाई तो उस बेचारी बिल्ली का क्या होगा जो वहाँ पे खुली पड़ी है? तू चुपचाप यहाँ बैठा रहे वरना हमने तुझे यही खोल देना। प्यार किया तो नसना क्या, जब प्यार किया तो नसना क्या? ओ बेवकूफ, नसना नहीं डरना है, डरना
खामोश। भला मैं क्यों डरूंगी, मैं तो आजकल की अनारकली हूँ, मैं तो नसूंगी। ओ तो आप अनारकली है ना, तो होर नहीं तो की शनाख्ती कार्ड बखावा। ना जो तू अनारकली है तो फिर तेरा शहजादा सलीम किधर है? अरे भाई हम है शहजादा सलीम, और कौन होगा? बस कर दो जी दादाजी, हमारा शहजादा सलीम तो कोई बहुत ही गबरू जवान होगा, बुड्ढा खूसर थोड़ी होगा कोई। पुरानी अनारकली, कहीं आप मुझे तो नहीं शहजादा सलीम समझ रही? बस कर दे जी, मेरा शहजादा सलीम इतना बेहया नहीं हो सकता कि निक्की निक्की टी शर्टें और कमीजें और कपड़े पहन के घूमे। लोबिया मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये मुझे ही समझ रही है अपना शहजादा सलीम। एड्डा बड्डा मुँह, आपके अड्डे बड्डे मुँह में से तो तीन चार मेरे शहजादा सलीम के मुँह निकल आएंगे। तो आखिर है कौन आपका शहजादा सलीम? ये जो क्यूट सा खड़ा है ना लड़का, ये है मेरा शहजादा सलीम। चलो लॉन में चल के एक डुएट ना हो जाए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब जो जी की हालत कैसी है? भाई उनका दिमाग तो बिल्कुल फट चुका है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, इसका इलाज है मेरे पास। नहीं डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि वो हमेशा के लिए पागल हो चुके हैं, अब वो कभी ठीक नहीं होंगे। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, उनका इलाज मैं कर दूंगा, बस मुझे मेरी फीस चाहिए बस। फिक्र क्यों करते हैं फीस की, हम आपको डबल मुआवजा देंगे। डबल क्या? दुगना लगान? मेरा मतलब है दुगनी फीस। लेकिन मुझे करना क्या होगा? आपको बस एक सर्टिफिकेट देना होगा। मैं अपना डॉक्टरी का सर्टिफिकेट आपको क्यों दूं भाई? हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जोजी के पागल होने का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या? बस आप हमें ये लिख के दे दीजिए कि जोजी बेगम पागल हो चुकी हैं, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकेंगी। उसके बाद हम उन्हें पागल खाने में भर्ती करा देंगे और अपनी जिंदगी पुरसकून जियेंगे। डॉक्टर साहब पुरसकून। महमूद साहब और नबी के साथ रह रहे के ना, आप भी बहुत गद्दी आदमी बन गए। बस करते हैं बाबा। क्या मतलब? डॉक्टर साहब ये लीजिए आपका मुंह बंद करने का नुस्खा। बस अब आपने सिर्फ ये कहना है कि ये हमेशा के लिए पागल हो चुकी हैं, अगर ये इस घर में रहेंगी तो किसी की जान भी जा सकती है। खातिनों हजरात, हमें नहीं लगता कि हमारी जोजी पहले जैसी फिर से हो जाएगी। पहले वाली तो जरा नहीं अच्छी लगती थी, अब वाली ज्यादा अच्छी है, शुगर मेला लगा के रखती है। भाई फिलहाल तो मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है और पूरे चेकअप करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती, उन्हें पागल खाने भेजना पड़ेगा। क्या? सच डॉक्टर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, ये क्या सुना दिया आपने, ये क्या सुना दिया? मुस्तकीम साहब आप क्यों हंस रहे हैं? अरे भाई ये तो हमारे गम की हंसी है। गम की हंसी? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह खुशी के आंसू होते हैं ना, इसी तरह गम की हंसी भी होती है। भाई हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जोजी जहाँ भी रहे पुरसकून रहे और सुकून से रहे। हमारा क्या है, हम गुजारा कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह। कब भेजेंगे जोजी जी को पागल खाने? आज और इसी वक्त मैंने फोन कर दिया है, पागल खाने से लोग आ रहे हैं जोजी जी को ले जाने के लिए। सच? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये इतने खुश क्यों हो रहे भाई? मैं बताती हूँ, शक तो मुझे पहले ही था कि मेरे सिर विच डंडा मारने वाला और कोई नहीं है सिवाय इनके, पर यकीन मुझे तब हुआ जब मैंने इस मनहूस को उस मेंगड़ी वाले मुंह को 20,000 रुपए देते हुए देखा मुझे पागल कहलवाने के। चल जा तू। चल यार चल, सवार चल दुनिया।